और बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर घोसी विधानसभा के उपचुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह को करारी शिकस्त दी है। घोसी उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत हुई है और इसी को लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। जनता, महान जनता, घोसी की महान जनता, इस जीत का श्रेय जनता को है और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को। ब्रजेश पाठक ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वो पाठक जी तो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं और सरकार के कारनामे सामने आ गए जनता के सामने। देखिए, झूठी बात बोलना और झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी की फितरत में है। इनको झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, इसीलिए सच्चाई जनता ने बता दिया। घोसी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की बहुत भारी जीत हुई है। ये समाजवादी पार्टी और इंडिया मोर्चे की जीत है। ये इंडिया मोर्चा बनने के बाद ये पहला चुनाव हुआ था, तो जनता ने इंडिया मोर्चे पर अपनी मोहर लगा दी है और इस बार ये तय हो गया है कि 2024 में अब इंकलाब होगा,